हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल आदाब दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर नवनीत कालरा, सेकुलर, बेरोजगार, स्ट्रगलर। छोड़ो, इतना बुरा बुरा बोलूंगा, होली है, बुरा ना मानो, होली है, अपने साथ ही होली खेल रहा हूं। क्या करूं यार, कोई खेलने वाला ही नहीं होली मेरे साथ। बोलते आप कॉमेडियन हो, आप तो बैंड बजा दोगे हमारा बिना बात के, हम नहीं खेलते आपके साथ होली। अरे होली भी तो मजाक होता है यार, दिवाली में थोड़ी मजाक होता है। दिवाली में तो सही धर के तैयार रहते हैं, लड़िया लुड़िया लगा के ये वो सब। मैं एक बात बताओ यार, ये क्यों बोलते हैं बुरा ना मानो होली है, है? ये तो कभी नहीं, कोई नहीं बोलता बुरा ना मानो दिवाली है। समझ में नहीं आता यार हम लोगों का, इसलिए शायद हम मजाक करते हैं दिवाली पे। कुछ भी मतलब पूरी दुश्मनी जो है ना दिवाली होली पे निकाली जाती है। मुझे याद है बचपन में जितने दोस्त दुश्मन होते थे ना भाई साहब, वो सब कीचड़ गोबर ये लगाते थे उनको, जिनके साथ आपकी दुश्मनी होती थी। मतलब पूरी खुंदक निकालने का एक ही तरीका है होली। तब बचपन था यार, अब बड़े हो गए होली खेलते ही कहाँ, जरा सा गुलाल यूं लगा दिया, वो भी हर्बल वाला, जरा स्किन देखो मेरी स्किन, माई स्किन इज वेरी सेंसिटिव। अरे छोड़ो स्किन सेंसिटिव, अब बदल गया जमाना यार। होली भी अब व्हाट्सएप पे शुरू हो गए सब, मतलब इतने मैसेज आ रहे हैं भाई साहब, जितने घर की सफाई होगी ना होली के बाद, उससे ज़्यादा तो मोबाइल की स्टोरेज ही खत्म हो जाती है, सारी सफाई करनी पड़ती है। जितने मैसेज हैं फलाना है ढिंका, मेरा तो वैसे ही भरा रहता है, इतने वीडियो बनाता हूँ, मेरे से ही भर गया घर, दूसरों का क्या करूँगा। चलो हाँ, और अब मिलवाता हूँ मैं, आज हमारे पार्टी होने जा रही है, देख रहे हो, दिखाता हूँ एक मिनट को, ये देखो एक होली मिलन समारोह हो रहा है जिसमें कुछ कलाकार भी आए हुए हैं। कलाकार बेड़ा करोगे इन कलाकारों का, चंगू मंगू है और एक हमारी सिस्टर जो उस दिन छुट्टी पे थी, जब मैंने लास्ट वीडियो बनाया, पिंकी सिस्टर, वो भी कोई परफॉर्म करेंगी। बाकी स्टाफ तो बेकार है, उनके बस का कुछ नहीं है, ये अखिले ये चंदन ये भी है लेकिन ये कुछ करेंगे नहीं, ये सिर्फ खाने के लिए आएंगे साला। छोड़ो बुलाता हूँ एक एक, पहले चंगू मंगू बुलाता हूँ, वेट कर रहे गुरु, याद कर रहे हैं कुछ, आज मजनू टाइप के बन के आए, मुझे समझ नहीं आ रहा है मजनू क्यों बन गए। चलो एक सेकंड रुको यार, अभी बुलाता हूँ, एडिटिंग के लिए कोई है ही नहीं, मुझे ही करना पड़ रहा है वेट, आपको करना पड़ेगा। करो आओ भाई, चंगू मंगू आओ, चंगू मंगू, लो जी आ गए साढ़े चंगू मंगू, आज होली मिलन समारोह। आइए आइए सर, आइए सर, आप इधर आइए सर, ये हमारे चंगू स्टार गाइड, फिर गाइड बोला, ये तूने एक बात सुन, बात सुन भाई, अगर नहीं बोलना आता ना दोस्त ही ठीक है तेरे, तू गाइड गाइड आपके सुनने में फर्क आ जाता है ना, मुझे मरीज बना दी, कान मेरे कानों में सुनने का ही फर्क हो गया, मेरा दिमाग में फर्क आ गया, तो मैं क्या बोलू, डॉक्टर से कॉमेडियन का लोग कहते पागल हो गया ये, और ये कहते अबे तू चुप रहा भाई, इनसे ये बोलते भाई तो आपके कान में सुनने में फर्क आ गया। सारो तुम्हारी जो बकवास सुन सुन के ना, सुन सुन के किसी के भी कान खराब हो जाएंगे, जितना मैं सुन रहा हूँ ना तुम्हारी बातें कोई नहीं सुनेगा, और पैसे भी देता हूँ बातें सुन सुन के, क्या बोलू यार, दिमाग में तो आ गया फर्क, शांति रख रहे भाई साहब, ये इतना ना बोले कि मुझे उनको क्या जवाब दूंगा, वो कहेंगे ये देखो दिमाग में फर्क आ गया। ये लो मंगू जी भी आए हैं, हाय मंगू जी, हाय दोस्तों, हाँ ये है भाई, देखो दोस्त ये बोलते हैं दोस्त है। चलो अब ये क्या है, आज से बड़ी बड़ी हो रखी है ना, कोई बात, तुम ऐसे अच्छे लगते हो, तुम ना नेचुरल तरीके के अच्छे लगते हो, पिछली बार लोगों ने तुम्हें लाइव ज्यादा नहीं करा, जो चिकने बन के आए थे उनको लगा पता नहीं क्या हीरो बन गए, लोग चाहते नहीं तुम्हें हीरो बनना देखना, वो चाहते हैं ये कारपेंटर ही रहे। सच बात ये है, हम सच बताऊं मैं आपको, दुनिया में ना लोग जलते हैं, ये बेचारे पिछली बार आमिर खान सलमान खान बन के आए थे, उनके वीडियो को उतने लाइक नहीं मिले जो सबसे पहले वाले को मिले थे। ओरिजिनल चंगू मंगू जो है वही ओरिजिनल है, तो आज वैसे ही बन के आए हैं, और कुछ गम में भी हैं, ये चांदनी जी के हमारी श्रीदेवी के गम में है, तो आज शायद मुझे लग रहा है कुछ ये जो सुनाने जा रहे हैं ये उससे रिलेटेड ही कुछ सुनाएंगे। मैं भी बहुत गम में था लेकिन अब उभर गया हूँ, अब क्या करो, होली है यारो, अब जो होली तो होली, अब आगे का देखते हैं। चलो पहले चंगू जी से पूछते हैं कि वो क्या सुनाएंगे, आजा भाई इनको, इसको आने दे। हाँ भाई चंगू जी क्या सुनाने जा रहे हैं, शायरी सुनाना चाहता हूं। और हमेशा शायरी सुना रहा, नई चीज भी सुना दिया कर भाई, नई चीज है। अच्छा चलो सुनाओ, चलो सुनाओ जी, सुनाओ सुनाओ। एक दिन इस जमीन, एक दिन हम भी कफन ओढ़ जाएंगे, जोर से बोल, एक दिन हम भी कफन ओढ़ जाएंगे, इस जमीन से रिश्ता तोड़ जाएंगे, जितना जी चाहे सता लो यारो, एक दिन हम ना, तू ना एक दिन कुछ नहीं होगा, तुम ना कफन मुझे ओढ़ के जाओगे, जैसे तो इनके हालात है ना, कि भाई साहब शायरी भूल गया, इतना बेचारा दुखी अंदर से, दिल इतना दुखी है कि शायरी भी भूल चुका है। बोल ले भाई, कोई याद आ रहा तो फिर से ना होता यहाँ, यहाँ पे जो हो गया एक ही बार होता, चल दोबारा बोल ले यार, ये बोलने तो बेचारे बच्चा बेचारा। चलो एक दिन हम भी कफन ओढ़ जाएंगे,
एक दिन हमने कफन ओढ़ जाएंगे, इस जमीन से सारे रिश्ते तोड़ जाएंगे। वाह 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 वाह, जितना जी चाहे सता लो यारो, एक दिन हम भी रुलाते हुए सबको छोड़ जाएंगे। वाह 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 वाह, जनाब बहुत ही उम्दा शायरी करी है और इस बात पे हम बहुत ही खुश हैं। और ऐसा लग रहा मुझे जावेद अख्तर साहब इसके अंदर घुस गया आज। भाई साहब थोड़ा थूक भी लो छोड़ो यार। अच्छा सुनो, इसे बहुत अच्छी बात बोली है कि एक दिन छोड़ क्या छोड़े, औजार छोड़ गए थे तुम अपने, तो वो ले जाना भाई, कभी मेरे पर इल्जाम लगा दो डॉक्टर साहब के यहाँ औजार पता नहीं क्या छोड़ जा रहा था, क्या बोला छोड़ जाएंगे वो छोड़ जाएंगे, कुछ ना छोड़ के जाते हैं ये तो एक कपड़ा, चलो मेरे कपड़े भी उतार के ले जाए कपड़े पर ले जाने, चल आ जा मंगू साहब भी है अभी। एक खाने की नाम तो बता दे भाई, नाम मेरा बताओ। नाम नूरुद्दीन अंसारी है, मैं पैसे से कारपेंटर हूँ। कारपेंटर हूँ, चलो पेंटर बस। अब चंगू जी को, ये है हमारे मंगू जी, सॉरी वो चंगू जी बोलते, मंगू जी आज वैसे तो हमेशा सीरियस रहते हैं, अजय देवगन की ये जो है ना दूसरी वो है क्या बोलते हैं, हमारा दूसरा अजय देवगन है, भले ही थोड़ा छोटे रह गए लेकिन है अजय देवगन अंदर से बिल्कुल सॉलिड अजय देवगन। चलो जी अब आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, आप अपना नाम बताइए। मोहम्मद तस्लीम सैफी कारपेंटर, फिर क्रिमिनल बन गया आज पिछली बार सलमान खान बन के आया था, दाढ़ी बनाने के पैसे नहीं है लगता इनके पास, काम पैसे नहीं दिया तुमने काम कराया था। देखो सुनो, होली पे क्या होता है हम लोगों के यहाँ हिंदुओं में खासतौर पे, कि होली पे कोई नया काम कराते नहीं, तो हमारा क्या जाता है, हमारा तो कुछ जाता नहीं डॉक्टरों का, होली या दिवाली हमारी तो हमेशा चांदी चांदी मरीजों ने आना ही आना है, इनका बेचारों का काम धंधा चौपट हो गया क्योंकि नया काम होता नहीं होली पे, अब होली खत्म होगी तब जाके कुछ होगा। तो चलो जी कोई बात नहीं, दिल बड़ा इसका बहुत बड़ा दिल है और ये आज कुछ सुनाने जा रहा, तड़कता फड़कता लेकिन आज सारे दुख भरी खबरें ला रहे हैं तो ये दुख भरा ही को सुनाएगा, ये भी आज सुनाओ। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, वाह वाह, मौत तुझको जब आवाज देगी घर से बाहर निकलना पड़ेगा, जिंदगी एक किराए का घर है, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। भाई एक बात सुन ले भाई, बहुत अच्छा गाया तूने, बहुत ही दिल से गाया, इसकी अंदर से फीलिंग आ रही है, मुझे लगता है आप, मुझे लगता है श्रीदेव के जाने से तुम भी उतने ही दुखी हो जितने हम हैं, है ना, क्या करें यार, ऐसा हादसा हुआ कि हम सब अंदर से आवाज निकल ही नहीं पा रही, मैं भी कॉमेडी कर रहा हूँ बड़े दिनों के बाद कर रहा हूँ क्योंकि मेरे से भी नहीं हो पा रहा था, और चलो क्या करें, श्रीदेव जी जहाँ पे भी हैं चांदनी है, आप भी चांदनी के नाम से याद करते हो सब, और वो जहां भी रहे मैं दुआ करूंगा, सब लोग दुआ करेंगे कि वो जहां भी रहे अब अमन से रहें, शांत से रहें और उनकी आत्मा को शांति मिले। और बाकी फोन किसका बज रहा भाई, मेरे पास फोन ही नहीं, चलो मैं करो ये इधर साला सीरियस टॉपिक चल रहा था, फोन बजना शुरू हो गया और ये किराए का घर है, किराए पे रह रहे हम भाई, तुम किराए पे रह रहे हो, तू बदलने पर अगर मेरा बिकवा रहे है, मेरा तो अपना, मैं भी पहले किराए पे रहता था, ये हर किसी का किराए का घर है, एक नहीं पड़ेगा। बहुत बड़ी बात कहती इसने, ये बात सच है, जिनके घर बहुत बड़े बड़े हैं बहुत अमीर अपने आप को समझते हैं, भाई साहब ये जान लो ये सब किराए पे हम लोग रह रहे, बस ये है कोई 10 रुपए किराया दे रहा, कोई 15 का दे रहा, कोई 15,000 रुपए किराया दे रहा, बैंड सबका बजना गुरु एक दिन, ये बात कंफर्म है। तो जी लो इस जिंदगी को, होली है तो होली पे हम मस्ती ले रहे हैं। तो अब इनके अब पीछे देख लो भाई साहब, ये देख रहे हो ये क्या है, ये खाने पीने का सामान है आज, ये दोनों भाई साहब नहीं है अभी और भी है, सांपों को दूध पिला रहा हूं मैं ये सब मुझे ही डसेंगे खा के, ऐसे 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 देखो पिक्चर भी बना रहा हूँ साथ साथ खाने पीने की, क्यों, क्योंकि जैसे बारात होता है ना, बारात में बाराती आते हैं तो सगन डालते हैं साले, और 200 रुपए 500 रुपए सगन डालेंगे, 5,000 का खाना खा के जाते हैं, तो वीडियो बनाता है भाई साहब लड़की का घर जो दूल्हा होता है सबकी न्यू वीडियो बन गई होती है, कोई अनजान आदमी भी खा के चले जाते हैं, इन्होंने ना कोई सगन देना है ना कोई पैसा देना मुझे, इन्होंने सिर्फ खाना है, मैं इसलिए बना रहा हूँ, मैं इसलिए बना रहा हूँ कि कल को यूं ना कहें सर आपने हमें कोई खिलाया नहीं, ये वीडियो प्रूफ है और सारी दुनिया जान जाएगी डॉक्टर काला का दिल कितना बड़ा है। समोसे मंगाए हैं और हमने साथ में ये मंगाया रस मलाई मंगाई है, बड़ी महंगी आई है, छोड़ो अभी बाकी एक अब स्टाफ है पिंकी जी वो भी आ रही है, पता नहीं ये क्या सुनाएगी पहली बार इसको भी जोश चढ़ गया, ये दिन छुट्टी पे थी लास्ट टाइम, बुलाता हूँ, चलो भाई आ जाओ तुम लोग इधर खड़े हो जाओ, यहाँ पीछे खड़े हो जाओ, ये करके भाई पिंकी जी आ जाओ, अब सिस्टर पिंकी जी आ रही है तड़का लगाने, तड़का लगाने तो दिल बैठ रहा है, क्या करें, आइए
सिस्टर पिंकी जी है, पिंकी जी एक बंगाली है और लास्ट टाइम हमने जो आई है पिंकी जी इधर आओ पिंकी जी हाय बोलो हेलो हैप्पी होली भाई साहब देखो मतलब कि चार चार के किरदार है हमारे क्लिनिक पे और पिंकी जी लास्ट टाइम नहीं थी मैंने जब हमने स्टाफ के साथ बनाया इनकी इवनिंग ड्यूटी होती है उस दिन मॉर्निंग में हमने बना दिया तो आज ये उस दिन किसी ने कुछ नहीं सुनाया लेकिन पिंकी जी ने मुझे प्रॉमिस किया था मैं कुछ सुनाऊंगी ये भी अंदर से कलाकार है आज देखते हैं कितनी बड़ी कलाकार है चलो पिंकी जी आप सुनाइए हमारे दर्शकों को क्या सुनाना चाहती हूँ मैं कलाकार नहीं हूँ जो भी आप है हाँ, बिल्कुल सुनाओ आगे से एक छोटा सा गीत रखती हूँ सुनाओ सुनाओ थोड़ा जोर से सुनाना थोड़ा आगे से लग जा गले की फिर ये हसी रात हो ना हो शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो लग जा गले हमको मिली है आज घड़ियां नसीब से हमको मिली है आज घड़ियां नसीब से फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना शायद फिर इस जन्म आपने हमारे दर्शकों का दिल जीत लिया बहुत ही अच्छा गाया इन्होंने सुर में भी थी और आवाज भी बहुत अच्छी है और लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी हमें छोड़ के जा रही है क्योंकि मेरी कॉमेडी की वजह से मेरा शाम का क्लिनिक बंद हो गया है और लेकिन कोशिश करेंगे ये हमारे साथ जुड़ी रहें और सुबह अगर मेरे पेशेंट बहुत ज्यादा हो गए तो मैं इनको सुबह भी बुला लूंगा पर कोई बात नहीं आती जाती रहेंगी हमारे फैमिली वाले लोग हैं सब ये आते जाते रहते हैं ये कोई जाता नहीं है तो कोई बात नहीं दोस्तों और बाकियों को भी बुला लेता हूँ साले एक निकम्मे लोग पीछे बैठे हुए खाने के इंतजार में इनको कोई काम नहीं है एक हमारे चंदन बाबू बुलाओ छोटी सी और रिक्वेस्ट है प्लीज होली का त्योहार है इसे प्यार से मनाइए कोई ऐसी बात ना हो जिससे कि कोई और परेशान हो थैंक यू हैप्पी होली ये लो जी चंदन बाबू आ गए हाय 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 बोलते हैं ये जुवाड़ राम है भाई साहब ये चंदन बाबू चलो बोलो कुछ होली की हार्दिक शुभकामनाएं दर्शकों अब बिहार में कैसे होली मनाते हैं वो भी बता दो बिहार में तो बहुत अच्छे ढंग से होली मनाते हैं दिल्ली का होली तो पागल हमारी होली पता ही चलता हम लोग हर्बल गुलाल लेके यूं 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 टीका ऐसे मनाते हैं भाई साहब हमारे यूपी रंगों का त्योहार है सर हमारे यूपी में होली मनाते थे भाई साहब ऐसा रंग देते थे कि बीबी घर में हम पहचानती नहीं थी बेल बजाता था ना मैं तो बोलती थी हैं कौन मैं हूँ हैं नहीं 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 तुमने पहले बताओ अरे प्रूव करना पड़ता था मैं पूछती थी भाई साहब पहले कुछ सवालों का जवाब दो तब खोलूंगी क्रोन कौन बनेगा करोड़पति शुरू होता था वहां पे सवाल पूछती थी मेरे से ये सवालों का जवाब दो फिर एक सवाल मैं जवाब कुछ दिए तो बोलती नहीं नहीं फिर उन्होंने पूछा भाई साहब ये बताओ हमारी शादी को कितने साल हो गए मैंने कहा पता नहीं कह रही हाँ अब ठीक है तुम्हें सच में नहीं पता तुम आ जाओ ऐसा ऐसे बिहार में नहीं होता है कि बीवी पूछती है शादी के कितने साल हो गए वहाँ तो सब होली के रंगों में डूबे रहते हैं होली खेलते हैं और गाना गाते हैं सब लोग इंजॉय करते हैं और चारा खाते हैं कुछ नहीं साले और कुछ नहीं करते ये चारा खाते हैं बस नहीं गए चारा तो लालू प्रसाद जी खा गए वहाँ के जनता को चारा तो नसीब ही नहीं हुआ मिला ही नहीं ये अगला नेता यही है जिसके वजह से बोलने का ढंग देखो भाई साहब अगला नेता हमारा नेता कैसा हो चंदन जैसा हमारा अच्छा भाई थैंक यू सर थैंक यू नहीं नहीं हमारा नेता कैसा हो चंदन बाबू जैसा हो हमारा नेता कैसा हो चंदन बाबू जैसा हो काम कुछ नहीं करेगा ये नेता ही बनेंगे ये सब नेता बनेंगे दो ही काम करते हैं आईएएस ऑफिसर बनते हैं और नेता बनते हैं बाकी सब हमारे दिल्ली वाले पैसा कमाने में लगे जाते हैं चलो चलो बाय 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 वैसे ये समोसा वमोसा जो भी काम ये यही लेके आए भाई साहब किसी काम का तो है कम से कम पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं तो हमको करना पड़ेगा ये अखिलेश बाबू है आज फिर मुस्कुरा रहे हैं पहली बार है मैं कोई बात नहीं शर्ट देखो भाई पिंक और ये नहीं पता आज होली है पिंक काली हो गई जाइए घर चलो हाय बोलो भाई हैप्पी होली तो बोल दे भाई हैप्पी होली मुंह से दो वर्ड पता नहीं कैसे निकल गए हैप्पी होली आप नमस्ते कर दो भाई चलो जी अब एक खा ले कुछ सुनाता दो चलो ये कह रहे कुछ सुना दो इधर आओ ये भाई साहब बड़ा दर्दनाक गाना गा रहे थे नहीं तुमने सुनाया था इधर आओ कौन सा क्या था वो गाना जीवन
जिंदगी ये किराए का घर है। चलो मैं ही गा देता यार इनके लिए है। जिंदगी प्यार का गीत है, उसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है। इससे आगे आता नहीं, भूल गया। अबे खा लो, चलो जिंदगी प्यार का गीत है। पेट में तो बिल्ली लौट रही है। दिखाओ जी, हैप्पी होली। लो जी समोसे, आप लोग भी खाओ, साथ ही हैं, तुम क्या खाओगे? यही खा ले, बहुत बड़ी बात है। और ये रसमलाई है। हेलो रसमलाई खा लो। बस कर दे भाई, ऊपर गिर जाएगा, बंद हो जाएगा फोन मेरा। बाय दोस्तों, बाय, हैप्पी होली।